यूपी के शाहजहांपुर में कच्ची शराब बेचकर संपत्ति अर्जित करने वाले शराब माफियाओं की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी संपत्ति पर भी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यहां पुलिस ने अधिकारियों के आदेश पर शराब माफियाओं की 14 एकड़ खेत को जब्त कर कुर्क कर लिया है। शराब माफियाओं के खेत में खड़ी धान की फसल को जब्त करते हुए पुलिस ने प्रशासन की मौजूदगी में कंपाइन लगाकर शराब माफियाओं के खेत में खड़ी धान की फसल को कटवा लिया है। शाहजहांपुर की धान खुटार पुलिस ने 9 सितंबर को डीएम इंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर तहसीलदार तृप्ति गुप्ता ने पुलिस के साथ गांव मेनिया निवासी जीत सिंह, रोशन सिंह, देशराज सिंह, कश्मीर सिंह शराब माफियाओं के खेत में खड़ी फसल को कुर्क किया था। साथ ही इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। इसलिए आरोपियों के 1.46 करोड़ कीमत की 14 एकड़ खेत की कुर्की की गई थी। खेत में खड़ी धान की फसल पक जाने पर आज पुलिस ने कंबाइन ले जाकर फसल कटवा ली। हालांकि खेत में 11 एकड़ धान की फसल खड़ी थी, शेष खेत खाली पड़ा था। कुर्की के बाद शासन के आदेश पर खुटार पुलिस ने जिला प्रशासन की मौजूदगी में फसल को कटवा लिया है। धान की बिक्री करवाकर राशि को शासन के खाते में जमा किया जाएगा। फिलहाल पुलिस अब इस मामले SDM के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की बात कर रही। थाना खुटार पुलिस द्वारा ग्राम मैनिया के शराब माफिया के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में उनके ऊपर 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत उनकी 14 एकड़ ज़मीन जो थी वो कुर्क की गई थी। उसी क्रम में आज उस गेहूं पर जो धान की फसल थी उस धान की फसल को भी कुर्क किया गया है। करीब 11 एकड़ में धान की फसल थी और उसमें अब SDM द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। समझ अपनी भाषा में ही आता है। कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट।